हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पे, जिसमें आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वन ईयर ट्रेड का एनुअल एग्ज़ाम 2019 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है जो कि सभी एक वर्षीय ट्रेडों के लिए है। टोटल आपके 25 क्वेश्चन हैं और ये 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर की स्क्रीनशॉट्स। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, देखिए, एक मील में कितने किलोमीटर होंगे। चार ऑप्शन है यहाँ पे, तो जो राइट आंसर आपका एक मील में होते हैं 1.609 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर दो है, देखिए, ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है। तो जो ब्रॉन्ज होता है आपका, वो कॉपर और टिन का मिश्र धातु होता है, यानी कॉपर का और टिन का एक एलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इनमें से क्या विद्युत का संचालन करता है। तो आपका जो ग्रेफाइट है ये आपका विद्युत का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, देखिए, 16 × 3/5 का अशुद्ध फ्रैक्शन इनमें से क्या होगा। तो आप इसको अगर करेंगे 16 × 3/5 तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 + 3/5, टोटल कितना आ जाएगा, 83/5। तो ऑप्शन बी 83/5 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आप, प्रति यूनिट आयतन पर बॉडी का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो राइट आंसर आपका घनत्व। क्वेश्चन नंबर ये देखिए सिक्स, √21 × √21 का मान ज्ञात करें। तो अगर ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, √21 और 21 मिलके आप क्या 21² हो जाएगा, तो 21 √ से बाहर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 3 7 × 3 3 × 7 21, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, √7.29 का मान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए 7.29 इसको आप 2 से एक बार डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2, नीचे आपका 4, फिर 329, यहाँ 4 हो जाएगा 224, और 7 से करेंगे तो ये 329 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर वो है 2.7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है। जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है आपका m/s². क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a:b 2:3 है, b:c 4:5 है, तो a:b:c ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर देखिए, a:b आप ऐसा लिख लेंगे और b:c ऐसा, इस तरह से इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 8:12:15, यानी आपका ऑप्शन सी 8:12:15 सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 मीटर के लिए 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 60 सेंटीमीटर को अगर 300 के रेशियो में निकालेंगे, 60 सेंटीमीटर / 300 सेंटीमीटर × 100, तो परसेंटेज कितना आ गया आपका, 20। तो राइट आंसर आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किए गए कार्य की SI यूनिट क्या होगी। तो कार्य की, ऊर्जा की, इन सब की SI यूनिट क्या होती है आपकी, जूल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कोई चीज़ स्थिर हो, उसमें जो एनर्जी रहे उसको बोलते हैं। तो ओवरहेड टैंक में पानी अगर भरा हुआ है तो उसमें हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 13 है देखिए, 14a + 3a + 25b + 2b + b, तो इनमें जिसमें ए है उसको हम ऐड कर लेंगे, और जिसमें बी है जिस पार्ट में उसको अलग ऐड कर लेंगे, तो आएगा कितना देखिए, 14 × 3 = 17 और 25 × 2 = 1, ये हो जाएगा आपका 25 × 2 = 27 = 28। तो आपका राइट आंसर है 17a + 28b। क्वेश्चन नंबर 14 है देखिए, 9x^5 × y^3 को डिवाइड किया गया x² × y² से। तो आप यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये x^2 यहाँ से 2 माइनस हो जाएगी, y^3 में से y^2 माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 9x³ × y। तो राइट आंसर आपका 9x³ × y। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 11x + 3y = 50, 8x + 3y = 38। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ देखिए, ये आपका एक समीकरण बना, एक समीकरण आपका ये बना, आप यहाँ पे माइनस साइन चेंज करेंगे जब, तो ये हो जाएगा कितना, 11 × 3x = 12, x = 4। इसी तरह से x की वैल्यू रख देंगे समीकरण एक में या दो में, उससे हमको y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एक समभुज, यानी समभुज मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, की सभी भुजाएं 60 mm लंबी हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 × a² यानी साइड का, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 × 60 × 60, √3 का वैल्यू होता है 1.6732, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 900। तो टोटल कितना आ गया, 1558.8, ये आपका आ गया आंसर।
राइट आंसर आपका 1558.8 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक ठोस सिलेंडर का आधारीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर और 69.3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई, तो ध्यान दीजिए जो आधारीय क्षेत्रफल होता है होता है पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का। सिलेंडर कुछ ऐसा आपका अगर होगा, ये तो ये क्षेत्रफल और ये इसकी एच है, तो इस एच को हमको निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन दिया पाई आर स्क्वायर एच जो कि होता है 69.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 69.3 अपॉन 13.85। तो आपका राइट आंसर आ रहा है एच इज इक्वल टू 5.0034। तो हम इसको दशमलव के दो अंकों तक लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपका 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 104 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो जो फार्मूला होता है आपका वो होता है सी अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपान 9। तो इसमें एफ़ की वैल्यू रख देंगे 104, तो 104 माइनस 32 ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ गया कितना आपका 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऊष्मा के संपर्क में लाए जाने पर तरल और ठोस विस्तारित होते हैं, यह सिद्धांत कार्य करता है, तो जो आपका थर्मामीटर है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है एक। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई, एक फार्मूला होता है हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 9 / 9 पाई स्क्वायर। इस तरह से अगर निकालेंगे साइन थीटा आएगा अंडर रूट 9 पाई स्क्वायर माइनस 1/3 पाई। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा अगर करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 3π/9π² - 1, जो कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1000 किलोग्राम के भार को एक सामान्य मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेगानुपात 5 है, यदि लगाया गया प्रयत्न यानी प्रयास 250 किलोग्राम है तो मशीनी लाभ और क्षमता ज्ञात करें। तो मशीनी लाभ होता है आपका भार बटे प्रयास, तो भार कितना है आपका 1000, प्रयास आपने कितना लगाया 250, तो कितना आ गया ये 4। अब हम जब उसकी इफिशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे तो होता है मशीन लाभ बटे वेगानुपात यानी VR वेलासिटी रेशियो, तो मशीनी लाभ 4 है, वेलासिटी रेशियो 5 है, 4/5 इनको परसेंटेज निकाल तो इनटू 100, तो आपका कितना आ गया 80%। तो राइट आंसर है आपका 4 and 80%। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भार और प्रयत्न के लाभ को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं मशीनी लाभ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, वो होती है हमारी ओम। क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन आपका, फ्यूज सर्किट क्या सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर है अतिभार, जब कभी ओवरलोड होता है तो फ्यूज पूरी सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से 25 क्वेश्चन थे आपके। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, और ये क्वेश्चन है आपका, बैटरी या सेल से किस प्रकार का करंट उत्पन्न होता है, यानी जो आपकी बैटरी उससे किस तरह का करंट उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।